नमस्कार सर, मैं डिम्पल अरोड़ा EBNW स्टोरी पोर्टल से। सर, मेरा आपसे आज के इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये है कि आज जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में लॉयल्टी नहीं है, जैसे आज कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, ऐसे बदल रहे हैं लोग, अपना पार्टीज बदल रहे हैं, तो क्या इंडिया में वर्ल्ड क्लास डेमोक्रेसी का विजन सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक पॉलिटिकल पार्टी में लॉयल्टी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी, जब मेरी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, लेकिन मैंने बीजेपी से कांग्रेस की तरफ नहीं गया। मैंने अंदर आंतरिक लोकतंत्र को, लोकतंत्र की बात उठाई, मुझे पार्टी ने बाहर निकाल दिया। फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक बना, और उसके बाद जब राजस्थान को आवश्यकता थी, मैंने कहा अब हमें लड़ना चाहिए किसानों के लिए, जवानों के लिए, इस स्टेट के अंदर तीसरी ताकत खड़ी हो, तो नई पार्टी का गठन किया। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी में लॉयल्टी की बात चल रही है, मेरे साथ भी घटनाएं घटी कि जिनको मैंने नेता बनाया पिछले 10 साल के अंदर, वो लोग छोड़ छोड़ के भाग गए और कांग्रेस बीजेपी से जाके विधायक बन गए, कोई सांसद बन गए। ये दुर्भाग्य है। और इस पे देखिए नए कानून भी बने कि 2/3 मेजोरिटी, थर्ड फोर्थ मेजोरिटी जैसे अलग पार्टी बनाने के लिए कितने आपको चाहिए, किसी पार्टी में विलय के लिए क्या चाहिए, नहीं तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन सदस्यता खत्म करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है। अध्यक्ष अल्टीमेटली 5 साल तक उस मामले को खींच सकता है, तो 5 साल बाद तो नए चुनाव आते हैं, ये हमने देखा। ये इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज व्यक्ति का अधिकार है। कि मान लो राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई हिटलर साई करने लग जाए तो लोग उसको छोड़ के चले जाते, ये है। लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं ये रुके कैसे? अगर किसी दल से कोई विधायक जीत गया, किसी दल से वो सांसद जीत गया, तो वो उस समय तक उस दल से अलग नहीं हो सकता। ये कड़ा कानून हिंदुस्तान के अंदर बनाया जाए, ताकि हिंदुस्तान का भद्दा मजाक, जिस तरह दूसरी कंट्री का भद्दा मजाक, जैसे अपना पाकिस्तान के अंदर देखिए, मतलब मिलिट्री चाहे जब फौज तक तपट देती है, दूसरे देशों के अंदर जो हालात, अगर धीरे धीरे अपने यहाँ इस पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत नहीं किया तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद नहीं रहेगा। लोग मजाक के लिए जैसे पर्यटक आते हैं 5 साल के लिए इस पार्टी में, इसकी हवा बदली तो अगली बार उस पार्टी में पैसा कमा के यही धंधा करेंगे और आम आदमी को ठगते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति लॉयल्टी, ये पहला काम होना चाहिए, कड़ा कानून देश के अंदर और विधानसभाओं के अंदर बनना चाहिए। सर, पॉलिटिक्स में वुमेन रिजर्वेशन तो है, पर क्या वुमेन लीडरशिप भी है? देखिए वुमेन रिजर्वेशन भी अभी कहाँ है पूरा, आप बताएं कहाँ है कि रिजर्वेशन लाएंगे हम? उसमें जनसंख्या, जो वापस जनसंख्या की गणना करेंगे, देश की जनसंख्या वापस की हमारी 2021 के बाद 2031, और डिलिमिटेशन जो 25-26 के अंदर ख़त्म हो रहा, इसको करने के बाद कहा कि हम वुमेन रिजर्वेशन को लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय जुमला छोड़ा था और उस समय हम हाउस के अंदर ही थे, हम लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन का तो पक्ष लिया, लेकिन कब लाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया। तो जब तक नहीं लाते हैं तब तक इनको उस अनुपात के अंदर जितना रिजर्वेशन ये लाना चाहते हैं, उस अनुपात में महिलाओं को टिकट देना चाहिए, उनको फ्री हैंड भी करना चाहिए। आप बताएं, थोड़ा बहुत है ना, महिलाएं राजनीति के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ में आती है। जैसे कोई MLA बन गई तो उसका पति MLA सीट चलाएगा, कोई MP बन गई तो उसका पति MP सीट चलाएगा, दो पावर सेंटर हो गए। अगर वो खुद कोई निर्णय करना चाहती है तो उसे निर्णय नहीं कर पाती, तो इससे जो महिलाओं के अंदर छुपी जो एक ताकत होती है, महिलाओं के अंदर जो पॉलिटिक्स करने का एक तरीका होता है, जो उनकी सोच होती है, महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती है, वो हर चीज़ को बड़े गहराई से देखती है, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाती जो करना चाहती, कहीं कहीं दब जाती है और घर के उसके आंगन में, कमरे में कैद होकर रह जाती है उनकी भावनाएं। इसलिए महिलाओं को फ्री हैंड करना चाहिए और पॉलिटिकल जो पार्टियां उनको भी महिलाओं को आगे लाना चाहिए। महिला नेतृत्व, आप देखिए इंदिरा गांधी जी ने कितनी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर इंदिरा गांधी रही, और भारतीय जनता अभी राष्ट्रपति हमारी महिला आदिवासी समाज से आती है, निश्चित रूप से महिलाओं को मौका भी मिलना चाहिए। पार्टियां प्रयास करती, लेकिन जितना अपन बाहर से दिखता है ना कि किसी महिला को हमने किसी पद पर बैठा दिया, वो काम नहीं कर पाती, पावर सेंटर और जगह होता है, तो महिलाओं को फ्री हैंड करना चाहिए। मैं तो देखता हूँ सरपंच, पंचायत समिति की प्रधान, जिला प्रमुख जो महिलाएं बनती है, उनके पति ही काम चलाते हैं, सिग्नेचर भी वही करते हैं, सील जेब में रखते हैं, डाली पत्नी को साइन करते हैं, पत्नियां बाहर ही नहीं निकलती। ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, आप उनको फ्री हैंड नहीं करोगे, तब तक
महिला पॉलिटिक्स की जो बातें हैं कि महिलाओं को हम आग गिला रहे हैं, सशक्त करें, ये बेमानी होगी। जी सर, बिल्कुल सर। योर मैसेज टू द कमिंग यूथ टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, कि क्या यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? 100% यूथ ही बदलाव कर सकता है। आप देखिए, हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे, मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह, जिसको आइकन के रूप में देखते हैं लोग, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ये जब भी बात चलती है तो जवान उनके नारे लगाता है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता है, और जवान चल पड़ता लड़ाई लड़ने के लिए। यूथ के बिना पॉलिटिक्स अधूरी है। हर क्रांति जो वर्ल्ड के अंदर हुई, युवाओं ने उसका नेतृत्व किया। छात्र संघ के चुनाव चालू कराने थे प्रदेश के अंदर, मैंने मामला लोकसभा के अंदर भी उठाया था कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद है, उत्तर प्रदेश के अंदर बंद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने छात्र संघ चुनाव पहले राजस्थान में चालू कराया, हम विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से, विधायक और लोकसभा के अंदर, निश्चित रूप से जो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, वो बेबाक होगा, वो काम करने की क्षमता रखता है, वो संघर्ष करने की क्षमता रखता है, वो मजबूत होगा। तो छात्र संघ के चुनाव हो, युवाओं को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाए और युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिले। और मैं युवाओं को संदेश यही दूंगा कि वो हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे तो दूसरे तरीके से आप राजनीति के अंदर आ जाओगे। हमारी पार्टियां जो RLP जैसी और बनी देश के अंदर, जो जवान और किसान की पार्टी, उनसे जुड़ के भी नौजवान राजनीति के अंदर जो अपनी मंजिल मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, नौजवानों के अंदर एक जो बहुत बुरी प्रवृत्ति अभी पनप रही हमारे हमारे स्टेट के अंदर, नशे से नौजवान बर्बाद हो रहा। पंजाब के बाद राजस्थान नशे का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। पहले अफीम का नशा होता था, अब चर्स, इसमें और MD का जो नशा है, सिंथेटिक नशा है, वो बर्बाद कर देता है। और वो इतना तेजी से आदमी को अपना जकड़ लेता है कि आदमी उसको छोड़ नहीं पाता, या तो मरता है और या किसी को मारता है। और नशे की जब उसको जब ललक होती है, वो तड़पता अपने परिजनों को मार देता है, ये घटनाएं आम हो गई। तो नौजवानों को ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें हमारा करियर राजनीति के साथ साथ अन्य फील्ड में बनाए, उससे पहले हमें खुद को कंट्रोल रखना होगा, काबू रखना होगा। परिवार जन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। युवा देश की तकदीर है, आने वाले भविष्य की तस्वीर, आने वाला भविष्य देश का। जब हमारा नौजवान, जो आज आप देख रहे हो किस तरह नौजवान चोरी चकारी गैंगवार की घटनाओं के अंदर, ये जो गैंगस्टर है उनको अपना आइकन मान रहा है इस देश के अंदर। आप बताइए, छोटे मोटे गैंग है, उन गैंग लीडर को वो फोटो उसमें मोबाइल के अंदर उसकी रखता है कि भाई मेरा हीरो तो ये है। तो कहीं कहीं युवा भटक रहा है इस देश प्रदेश के अंदर। उन भटके हुए नौजवानों को एक जगह लाने की आवश्यकता है, इसमें सरकारें भी जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी बाधा है, और बेरोजगारी, रोजगार और बढ़ते अपराध रोकने के लिए नौजवानों का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नौजवान ही इनका मुकाबला कर सकता है। तो नौजवानों को राजनीति में, पार्टियों को भी नौजवानों को टिकट देनी चाहिए। जो पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां, उनको भी मैं आह्वान करूंगा कि महिलाओं के साथ साथ जवानों को भी अपने अपने संगठन बनाए हुए, सबके, किसी के यूथ मोर्चा है, किसी की युवा इकाई है। मैं तो, मेरी पार्टी तो पूरी युवाओं की है, मेरी पार्टी में सारे चुनाव लड़े वो भी 80% युवा थे, अभी सारे युवा है। और मैं तो अब जब गठन कर रहा हूँ वापिस, तो मेरी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष से लेके यूथ छात्र संगठन महिला से लेकर सारे नौजवानों को आगामी दिनों के अंदर मैं पार्टी का विस्तार जब करूंगा, सारे नौजवानों को मौका मिलेगा, महिलाओं को भी बराबर का सम्मान। और RLP पार्टी महिलाओं को सत्ता में भागीदारी के लिए अब कटिबद्ध है। निश्चित रूप से नौजवानों और महिलाओं को लेकर हम राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेंगे। जी सर, धन्यवाद सर।